हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूँ आपके साथ उज्ज्वला। 13 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी में होंगे, जहां पर वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ऐसे में वाराणसी में उनके आने को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि वहां पर पहुंचने से पहले उनके स्वागत के लिए वाराणसी में जो तैयारियां हो रही हैं उसमें ये है कि जहां से पीएम मोदी गुजरेंगे वहां पर गेरुआ रंग रंगा जा रहा है। लेकिन इसी बीच गेरुआ रंग में रंग चुकी है वहां की एक मस्जिद, जिसे लेकर वहां के लोगों ने आपत्ति जताई और इसे तानाशाही का नाम दे दिया। देखिए क्या है ये पूरा माजरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते को गेरुआ रंग से रंगा जा रहा है। इसी के चलते एक मस्जिद का रंग भी गेरुआ कर दिया गया, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। मुस्लिम समुदाय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण का जहां एक रूपता लाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं लोगों का आरोप है कि उनसे पूछे बगैर ही इमारतों को रंग दिया गया। सड़क के किनारे काफी पुरानी मस्जिद है, जिसे बुलनाला मस्जिद भी कहते हैं। इस मस्जिद का रंग सफेद था। आरोप है कि प्राधिकरण ने सफेद रंग पर हल्का गेरुआ रंग रातों रात पेंट कर दिया। इससे मस्जिद से जुड़े लोगों में काफी ज्यादा रोष है और वह उसे मनमाना और तानाशाही रवैया बता रहे हैं। मस्जिद की देखरेख करने वाले इंतजामिया मस्जिदी कमेटी के लोगों ने बताया कि उनके मस्जिद का रंग रातों रात बदल दिया गया। अगर कुछ करना भी था तो एक बार पहले बात कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये मनमानी और तानाशाही है। पहले उनकी मस्जिद सफेद हुआ करती थी, जो अब केसरिया रंग की तरह हो गई है। उन्होंने बताया कि इस पर आपत्ति भी उन्होंने दर्ज कराई है और डीएम से मिलने की कोशिश भी की है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर कार्यालय में भी आपत्ति दर्ज कराकर ये कहा गया कि ये रंग गलत है। उन्होंने बताया कि आगे हम पहले जैसा सफेद रंग करवाएंगे और उसका पूरा खर्चा उनकी कमेटी ही करेगी। जो नुकसान होगा वो खुद भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस कारस्तानी को लेकर उन लोगों में बहुत नाराजगी है, लेकिन माहौल कुछ ऐसा है कि बोला नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सारे लोग उनके साथ हैं। एक सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद को जब रंगा गया तो वहां पर एक गुरुद्वारे को क्यों छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि इस इलाके में और भी धार्मिक स्थल हैं, अगर ऐसी हरकत वहां होती तो काफी भयावह स्थिति पैदा हो जाती। इस बात को लेकर मुसलमानों में काफी रोष है। उन्होंने बताया कि उनके मस्जिद का रंग ज्यादातर सफेद और हरा होता है और पहली मस्जिद भी इसी रंग में थी, फिर इस रंग को मिलते जुलते रंग से रंग दिया गया। हालांकि वहां के अधिकारियों ने अपने बयान में कहा है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई। और जहां तक सवाल रंग का है, तो कोई भी रंग किसी धर्म का प्रतीक नहीं हो सकता। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वाराणसी की ज्यादातर इमारतें रेड स्टोन से बनी हुई है, जिसके चलते इस थीम को आगे बढ़ाया गया। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।